हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये MI वर्सेस SRH यानी कि मुंबई वर्सेस हैदराबाद की टीम के बीच में जो ये IPL का मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ अपनी स्मॉल लीग की टीम भी बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपनी टीम बनाने से पहले इस वेन्यू के बारे में और दोनों टीम के बीच जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी टीम बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, पहले दोनों टीम के बीच जो हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं उनके बारे में बात करें तो दोनों टीम के बीच जो लास्ट 10 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो 5 यहाँ पे मुंबई की टीम ने जीते और 5 यहाँ पे हैदराबाद की टीम ने जीते, यानी कि लगभग दोनों का 50-50 रहा है। पर दोस्तों, जो लास्ट 3 मैच खेले गए अगर आप वो देखेंगे तो 3 में से 2 मैच यहाँ पे मुंबई की टीम ने जीते हैं और 1 मैच यहाँ पे हैदराबाद की टीम ने जीता है। तो आप ये चीज़ भी यहाँ पे देख के चल सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे वेन्यू के बारे में बात करें तो ये मैच दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा जो कि मुंबई की टीम का होम ग्राउंड है। अब इस वेन्यू के बारे में दोस्तों बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 169 का रहा है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 158 का रहा है, यानी कि दोस्तों ओवरऑल अगर इस विकेट के बारे में बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी विकेट रहती है। अगर कोई टीम खराब ना खेले तो यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर बनता है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे वेदर की बात करें तो अभी तो आपको यहाँ पे बारिश के चांस दिख रहे होंगे, पर दोस्तों उम्मीद करते मैं अगर बात करूँ तो ये वीडियो मैं एक दिन पहले बना रहा हूँ, पर उम्मीद करते ये मैच कल खेला जाएगा तो कल यहाँ पे बारिश ना हो और हमको पूरा मैच यहाँ पे देखने को मिले। अब दोस्तों, यहाँ पे विकेट की बात करें यानी कि किसको यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो जो लास्ट 10 मैच इस वेन्यू पे खेले गए हैं अगर आप उनमें देखेंगे तो 63 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने निकाले और 49 विकेट स्पिनर ने निकाले, यानी कि अगर दोस्तों ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्पिन के मुकाबले पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। अब दोस्तों, यहाँ पे जो रीसेंट मैचेस खेले गए हैं आप लोग उसका यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे पता रहेगा किस तरह का यहाँ पे स्कोर बना है। तो अभी रीसेंट में मुंबई वर्सेस गुजरात की टीम के बीच में एक मैच हुआ जिसमें मुंबई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 218 बनाए और इस मैच को यहाँ पे गुजरात की टीम चेस नहीं कर पाई, पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो गुजरात की टीम ने भी यहाँ पे 191 बना लिए थे। इस मैच को यहाँ पे मुंबई की टीम ने 27 रन से जीता। उससे पहले देखेंगे तो बेंगलोर वर्सेज MI की टीम के बीच में एक मैच हुआ जिसमें बेंगलोर की टीम ने यहाँ पे 199 बनाए और इस मैच को यहाँ पे मुंबई की टीम ने काफ़ी आसानी से चेस किया 200 बनाकर, वो भी सिर्फ 17वें ओवर में। तो आप यहां से देख के समझ सकते हैं कितनी अच्छी विकेट है ये बल्लेबाजों के लिए। उससे पहले देखेंगे तो राजस्थान वर्सेस MI की टीम के बीच में एक मैच हुआ जिसमें राजस्थान की टीम ने 212 बनाए और इस मैच को भी यहां पे MI की टीम ने चेस किया 214 बनाकर, तो काफ़ी अच्छी ये विकेट है, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम बनाना। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इस मैच के बारे में जान लिया, इस वेन्यू के बारे में जान लिया, अब हम लोग चलते हैं अपनी टीम बनाने। तो दोस्तों, आप लोग जब अपनी टीम बनाने यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे ईशान किशन मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ पे क्लासिन मिलेंगे, ए सिंह अगर खेल जाते तो ये भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। टी स्टूप्स की बात करें तो अगर खेलते भी हैं तो GL में ही ट्राई करना, उतने अच्छे रहेंगे नहीं। विष्णु विनोद को भी GL में ही करना, यू यादव के चांसेस यहाँ पे कम है और ये खेलने वाले भी अभी नहीं है। तो अभी दोस्तों, जो स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ईशान किशन, हेनरिच क्लासिन दोनों रहेंगे। इनको हम यहाँ लोग यहाँ पे लेके चलेंगे क्योंकि दोनों का रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा और यहाँ पे प्लेयर भी अच्छे हैं, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को लिया। तो अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो सूर्य कुमार यादव रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा रोहित शर्मा दोस्तों, इनकी बात करें तो ये इनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इनको भी लेके चल रहा हूँ। हालांकि रिसेंट इनका काफ़ी ख़राब रहा है आप सबको पता होगा, तो पर फिलहाल के लिए मैंने इनको लिया है। उसके अलावा दोस्तों त्रिपाठी, इनका भी अगर आप रिसेंट देखेंगे तो लास्ट के 5-6 मैचेस से कुछ खास किया नहीं है, पर प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे इनको भी लिया है। अभिषेक शर्मा आपको ओपनिंग पर दिख रहे हैं और सामने वाली टीम में देखेंगे तो काफ़ी आपको राइटी बल्लेबाज भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये बॉलिंग भी करा सकते हैं और ओपनिंग पर भी आ रहे हैं, तो ये भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इनको भी लेके चलूंगा। टीम डेविड दोस्तों GL की काफ़ी अच्छी पिक रहेंगे, अगर MI की टीम पहले बैटिंग करे तो इनको GL में ट्राई कर लेना। हैरी ब्रूक भी GL की पिक रहेंगे, हालांकि इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज हैं। वधीरा की दोस्तों बात करें, रिसेंट काफ़ी अच्छा रहा है, तो ये भी स्मॉल लीग के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, पर अभी के लिए मैंने नहीं लिया है। बाकी यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स भी अच्छे हो सकते हैं, हालांकि इनके बॉलिंग के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि सामने वाली टीम में अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा राइटी बल्लेबाज हैं और ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, तो इनके बैटिंग के बॉलिंग के चांसेस कम रहेंगे। अगर आप इनको ले रहे हैं तो सिर्फ बैटिंग के हिसाब से ही लेना। बाकी नीचे बात करें तो समाज GL पिक रहेंगे, बाकी कोई खेलने वाला दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल के लिए मैंने इन चारों को लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में चलें
तो यहाँ पे एडन मार्करम कैमरॉन ग्रीन दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो दोनों का ही रिसेंट उतना कुछ खास रहा नहीं है, पर प्लेयर इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे दोनों को लिया है। उसके अलावा मार्को जेंसन दोस्तों खेलते हैं तो 100% मैं इनको लेकर चलूंगा। उसके अलावा शौकीन को आप लोग जीएल में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे रहेंगे नहीं, बाकी नीचे अभी यहाँ पे कोई खेलने वाला है नहीं। रेड्डी की दोस्तों बात करें तो ये भी उतने अच्छे रहेंगे नहीं, बाकी यहाँ पे कोई अभी खेलने वाला है नहीं। तो ऑलराउंडर में मैंने यहाँ पे मार्करम और ग्रीन को लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग से बात करें तो पीयूष चावला का आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और रिसेंट भी अच्छा रहा है तो आप लोग ट्राई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार भी आपके पास ऑप्शन है, अगर हैदराबाद की टीम पहले बॉलिंग करे तो आपको ये डेथ में भी दिखेंगे। उसके अलावा बैरन ड्रॉप इनको मैं लेके चलूंगा, चाहे किसी भी इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग करे तो इनको मैं लेके चलने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों नटराजन, अगर यहाँ पे एसआरएच की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो ये आपको डेथ में देखेंगे और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उस केस में हम लोग इनको भी लेके चल सकते हैं। उसके अलावा मदवाल को जीएल में ही करना। जॉर्डन दोस्तों अगर इनकी बात करें तो इनका भी रिसेंट उतना कुछ खास नहीं रहा इस सीरीज में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ से देख लेते हैं तो इस सीरीज में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 3 मैच खेले और तीनों में ही कुछ खास किया नहीं है। पर दोस्तों ये भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, कभी भी आपको 3-4 विकेट लेके इकट्ठे जा सकते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए तो इन पर भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। कार्तिक त्यागी भी अच्छे ऑप्शन है, हालांकि इस सीरीज में ज़्यादा मौका मिला नहीं और अभी कुछ खास किया नहीं है। डागर को जीएल में ही ट्राई करना, बाकी नीचे अभी यहाँ पे कोई खेलने वाला दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे चावला को लिया और यहाँ पे भूवी को लिया है। तो फिलहाल जो मेरी टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे दोस्तों सीवीसी ऑप्शन की बात करें तो इस मैच में आपके पास यहाँ पे सूर्या का ऑप्शन रहेगा, उसके अलावा यहाँ पे ईशान किशन आपके पास ऑप्शन में रहेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग जा रहे हैं तो मार्करम और यहाँ पे किलासिन, ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। कैमरॉन ग्रीन अभी बॉलिंग करा नहीं रहे हैं और बैटिंग भी काफ़ी नीचे मिल रही, तो इस वजह से मैं इनको सीवीसी के ऑप्शन में नहीं रख रहा हूँ। तो सीवीसी के जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे सूर्या, किशन, किलासिन और मार्करम, ये 4 अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फिलहाल के दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं अपनी कैप्टनसी यहाँ पे सूर्या को दे रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे ईशान किशन को कर रहा हूँ। आपके पास जो अदर ऑप्शन है यहाँ पे किलासिन और मार्करम, इनको भी आप लोग ट्राई करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अपना कैप्टन सूर्या को किया है, वीसी यहाँ पे किशन को किया। अगर इस टीम में दोस्तों कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।